dear students in this lecture we will discuss about the thermodynamic and kinetic stability of complexes and this is part 1 and in this we will uh, discuss about the general idea of thermodynamic and kinetic stability types of stability and uh, uh, then uh, we will discuss in detail the thermodynamic stability तो इस लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली इसमें हम उनके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स पढ़ेंगे इनकी स्टेबिलिटी के और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को उसको हम विस्तार से उसकी स्टडी करेंगे तो अगर हम स्टेबिलिटी को देखें स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है एक्जिस्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस इन 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 एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो एक्व सॉल्यूशन में इट कैन एक्जिस्ट एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट रिडॉक्स पोटेंशियल और रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी और पी और टेम्परेचर तो स्टेबिलिटी हम किसे कहेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स की कि अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में एक्जिस्टेंस उसकी हो वो रह जाए और इरेस्पेक्टिव उसको किसी का फ़र्क ना पड़े ना उसको टेम्परेचर का इफेक्ट पड़े ना उसकी स्टेबिलिटी ना उसकी स्टेबिलिटी पर प्रेश पी का इफेक्ट पड़े ना बॉन्ड एन डिसोशिएशन एनर्जी का इफेक्ट पड़े तो तब हम कहेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा है स्टेबल कॉम्प्लेक्स है अब इस कॉम्प्लेक्स को जो स्टेबिलिटी है उसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं द स्टेबिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स वन इज थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी एंड द अदर इज काइनेटिक स्टेबिलिटी सो इन केस ऑफ थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी दिस थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द बॉन्ड एनर्जी स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट एंड रिडॉक्स पोटेंशियल तो अगर हम uh, कहें कि स्टेबिलिटी किसम को रजिस्टर कर रही है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा स्टेबिलिटी कांस्टेंट में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और रेडॉक्स पोटेंशियल भी उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स वो थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल है थर्मोडाइनेमिकली स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो कई समय तक ऐसे ही एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा तो इसका मतलब वो क्या है स्टेबल कॉम्प्लेक्स है ये थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी द टर्म इज गिवन बाई बी डिवाइडेड द कॉम्प्लेक्सेस दैट आर हैविंग द थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी इन टू टू टाइप्स उन्होंने थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी कंटेनिंग कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड किया एक थे इस्टेबल कॉम्प्लेक्स और दूसरा जो क्लासीफिकेशन है वो है अन इस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का ये जो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं इन्हें पेनिट्रेशन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं और जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं दे आर कॉल्ड एज द नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस ओके सो दिस थर्मोडानेमिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एंड अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एंड इफ यू सी द अदर काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इट इज कॉल्ड एज काइनेटिक स्टेबिलिटी तो जो दूसरे तरीके की जो स्टेबिलिटी है वो है काइनेटिक स्टेबिलिटी और वो किस बेसिस पर है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी तो इनका इस स्टेबिलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो उस तरीके के कॉम्प्लेक्स में हम कहेंगे कि ये इसकी क्या है काइनेटिक स्टेबिलिटी है और ये जो टर्म है ये दिया था टैब ने नाइनटीन फिफ्टी में और इन्होंने काइनेटिक स्टेबिलिटी को दे फर्दर डिवाइडेड इन टू कॉम्प्लेक्स एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स

उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स और दूसरे अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स और जो थर्म जो काइनेटिक स्टेबिलिटी के आधार पर हम दो तरीके के कॉम्प्लेक्स में डिवाइड कर सकते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को वन आर लिपाइल कॉम्प्लेक्स एंड दी अदर्स आर इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस नाउ वी विल डिस्कस दी थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी अब हम देखेंगे कि थर्मो स्टेबिलिटी को अब हम एक्सप्लेन uh, करेंगे uh, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे तो हमने कहा कि जो थर्मो स्टेबिलिटी है उसके बेसिस पर कॉम्प्लेक्सेस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स वन आर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एंड द अदर क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज़ अन कॉम्प्लेक्सेस ओके तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स हम किन कहेंगे विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन दॉल्यूशन तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स वो होंगे जो कि अपनी आइडेंटिटी को एक्व सोल्यूशन में रिटेन करेंगे और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स हम किन्हें कहेंगे जो क्या करेंगे रिवर्सिबली डिसोशियट करेंगे इन दी दॉल्यूशन तो मतलब है कि जो डिसोशियट करेंगे जो डिसोशियेट कर गए वो गए अनस्टेबल जो डिसोशियेट नहीं करेंगे मतलब विच रिटेन देयर आइडेंटिटी दे आर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस सो दी दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर नाउ स्टेबल मीन्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी दे डो नॉट डिसोशिएट इन एक्वा सोल्यूशन वो ऐसा ही रहेगा कॉम्प्लेक्स लेकिन अनस्टेबल का मतलब है कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसोशियट हो जाएगा इसका मतलब वो कैसा है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है अब जो इस्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ डिसोशियेशन कॉन्स्टेंट एंड फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट ओके तो किसी भी कॉम्प्लेक्स को हम अनस्टेबल कहेंगे और उसका मेजरमेंट हम किससे कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट और इन स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट से हम उसको मेजर करेंगे तो अगर यहाँ पर आप देखें ये एक कॉपर का टेट्रा अमीन कॉम्प्लेक्स है ये अपने आयंस के साथ इक्विलबिलियम में है एक्व सोल्यूशन में मतलब ये रिवर्सिबिली डिसोशियट हो रहा है और डिसोशियट हो रहा है तो यहाँ पर इक्विलिबिलियम है क्योंकि जो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी है वो इक्विलिबिलियम की बात करती है तो पहले हम देखें थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी को अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज द टेंडेंसी टू एक्जिस्ट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन तो थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी क्या है किसी भी कॉम्प्लेक्स की वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो जो कॉम्प्लेक्स है वो सॉल्यूशन में एडजिस्ट करता है तो यहाँ पर आप देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये अपने आयंस के साथ इक्वली में है तो हम इक्वलीविलियम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा दैट इज इक्वली कांस्टेंट एंड दिस कॉन्सटेंट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स द प्रोडक्ट्स आर द कॉपर आयन एन एन एसरी अपॉन दी दी कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज द कॉम्प्लेक्स आयन तो इसको हम क्या कहते हैं डिसोशिएशन कांस्टेंट ये यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका नाम हमने रख दिया डिसोशिएशन कांस्टेंट और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट ये इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट और डिसोशिएशन कांस्टेंट क्यों बता रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हमने डिसाइड किया है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है इस कॉम्प्लेक्स का डिसोशिएशन हो रहा है मतलब जितना अधिक इसका डिसोशिएशन होगा उतने अधिक कॉपर आयन्स एंड एनएस थ्री बनेंगे तो इसका मतलब ये जो अपर पार्ट है इसका वो अधिक होगा और ये कम होगा इससे जो डिसोशिएशन कॉन्सटेंट है वो कितना आ जाएगा उसकी वैल्यू हाई आएगी इसका मतलब है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इज द मेजरमेंट ऑफ दी अनस्टे इनस्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन तो जितना अधिक डिसोशिएशन कॉन्स्टेंट होगा मतलब ये आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो so, ये अधिक होगा इसका मतलब है कि वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा तो so, डिसोशिएशन uh, जो है इट इज़ अ मेजर ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अब अगर हम देखें फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करें मतलब अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स की तो थर्मोडायनेमिक स्टेबल जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम किससे मेजर करते हैं उसको हम मेजर करते हैं फॉर्मेशन या स्टेबिलिटी कांस्टेंट से तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दो रिएक्टेंट हैं और ये दोनों रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स आयन बना रहे हैं तो ये फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी कंसंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन अपॉन दी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट्स तो आप ये देखिए अगर इस कॉम्प्लेक्स आयन का कंसंट्रेशन अधिक होगा इसका कंसंट्रेशन अधिक कब होगा ये जितना अधिक फॉर्म होगा तो इसका मतलब है कि ये बन रहा है ये एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन में मतलब ये स्टेबल है तो ये जितना अधिक होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उतना ही अधिक होगा तो इक्विलिबिलियम कांस्टेंट का नाम हमने क्या कह दिया फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट और जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो क्यों है इसका नाम क्योंकि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए हमने इसको क्या कह दिया के फॉर्मेशन और के स्टेबिलिटी एंड इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाई बीटा अब आप डिफरेंस देख सकते हैं तो ये जो के फॉर्मेशन है इट इज़ इट इट कैन मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी मीन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी मीन्स इट इज थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट द द अनस्टेबल इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्मोडाइनेमिक unstability so in this lecture we are discussing only about the thermodynamic stability or unstability to aap ye dekhenge jo k formation hai dekhi k formation jitna adhik hoga utna stable complex hoga aur k instability constant जितना अधिक होगा उतना अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, होगा इसका मतलब है कि जो K formation है और इसको हम कह सकते हैं जो K स्टेबिलिटी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के डिसोशिएशन कांस्टेंट। तो जो जो डिसोशिएशन कांस्टेंट है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कौन है फॉर्मेशन कांस्टेंट। क्यों है क्योंकि फॉर्मेशन कांस्टेंट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी अगर डिसोशिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी सो दे आर इन्वर्सली प्रपोर्शनल यहाँ पर आ, हम देखेंगे कि फॉर्मेशन जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है या ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है और डिसोसिएशन कांस्टेंट और इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स आयंस तो यहाँ पर हम देखेंगे देखिए ये चार कॉम्प्लेक्स आयन है कॉपर का कोबॉल्ट का मर्करी का एन आयरन का सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है नहीं अलग अलग ऑक्सीडेशन से हैं उससे हमें नहीं लेना हमें ये देखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इस्टेबल है तो अगर हम के डिसोशिएशन देखें सो इफ़ यू सी द डिसोशिएशन कॉन्सटेंट देन वी विल फाइंड दैट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डिक्री इट इंक्रीजिंग सो कांस्टेंट इन इनक्रीज इज इंक्रीजिंग फ्रॉम कॉपर टू आयरन कॉम्प्लेक्स सो इफ द डिसोशिएशन कांस्टेंट इज इंक्रीजिंग सो द अनस्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल आल्सो इंक्रीजिंग अगर डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट बढ़ता है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन हो रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा है अनस्टेबल तो कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन कॉन्सटेंट इट इज़ द मोस्ट स्टेबल अमंग दिस सीरीज एंड दिस आयरन कॉम्प्लेक्स इज द लीस्ट स्टेबल इट इज अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स इन दिस सीरीज एंड नाउ इफ यू कंपेयर द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्सटेंट अगर हम फॉर्मेशन कॉन्सटेंट के बेसिस पर अगर डाटा देखें देन वी विल फाइंड दैट दिस कॉपर कॉम्प्लेक्स इज़ हैविंग द हाइस्ट फॉर्मेशन कॉन्सटेंट While this iron complex is having the lowest formation constant. So, formation means the formation. So, it means it is existing in the solution. इसका मतलब है कि कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन में इसीलिए उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है हाई है तो अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट हाई है जिसको हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं देन दिस कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल कॉम्प्लेक्स तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन कॉन्सटेंट ऑल्सो एज द फॉर्मेशन कॉन्सटेंट डिक्रीज द इनस्टेबिलिटी विल इनक्रीजेज so this iron complex is the unstable complex while this copper complex is a stable complex so these two the dissociation constant and formation constant they are the the basis of the uh, the selection of kinetically uh, this thermodynamically stable or unstable complex so these are the measurements of uh, the uh, the formation constant uh, the thermodynamically stable complexes or unstable complexes now we will discuss about the stepwise formation constant so we will discuss two types of formation constants one is stepwise formation constant and other will be the overall stability constant अब अगर हम यहाँ पर देखें स्टेप वाइज मीन्स अगर हम कंपाउंड को स्टेप्स में बना रहे हैं तो पहला स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं एम और एल ने जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया एम एल जब एम एल ने फिर एल से रिएक्शन किया तो क्या बनाया है एम एल टू फिर एम एल टू ने जब एल से रिएक्शन किया तो क्या बनाया एम एल थ्री तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है इफ़ वी आर गोइंग टू फॉर्म दिस एम एल थ्री तो हमको ये तीन स्टेप करने पड़ेंगे तब ये फॉर्मेशन होगा यहाँ पर अब आप देखिए हर एक बिलियम कॉन्सटेंट हर एक स्टेप का अलग अलग होगा तो फॉर फर्स्ट स्टेप द के वन विल बी द कंसनट्रेशन ऑफ एम एल अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स ओके देन के टू जो कॉन्सटेंट है वो अलग होगा क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो एम एल टू है और जो रिएक्टेंट है वो एम एल एंड एल है और जो के थ्री होगा जो थर्ड स्टेप का जो स्टेबिलिटी कॉन्सटेंट होगा वो क्या होगा एम एल थ्री यहाँ पर एम एल थ्री बन रहा है और जो रिएक्टेंट्स हैं दे आर एम एल टू एंड एल ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर स्टेप वाइज फॉर्मेशन हो रहा है किसी कॉम्प्लेक्स का तो क्या होगा जो कांस्टेंट है वो अलग अलग स्टेप के अलग अलग होंगे ये क्या है फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट बट दे आर स्टेप वाइज ओके ना यू कैन कम्पेयर दिस स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्सटेंट विद दोवरऑल फॉर्मेशन कॉन्सटेंट तो इस स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्सटेंट का कम्पेरिजन हम कर सकते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्सटेंट से तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल कैसे निकलता है एम प्लस एल सीधे सीधे इफ़ वी हैव टू प्रिपेयर एम एल देन वी हैव टू रिएक्ट दिस एम विद एल इफ वी हैव टू प्रिपेयर एम एल टू देन वी हैव टू रिएक्ट दिस मेटल विद लिगेंड बट नाउ दिस टाइम द लिगेंड्स विल भी टू इफ वी हैव टू फॉर्म एम एल थ्री देन वी हैव टू यूज थ्री एल एंड वन एम तो आप देख सकते हैं कि इन ओनली इन वन स्टेप वी कैन फॉर्म द सेम कंपाउंड जबकि आपने इससे पहले देखा जो स्टेप वाइज था वहाँ पर आप देख रहे थे कि तीन स्टेप में एम एल थ्री हम बना पा रहे थे जबकि यहाँ पर एक स्टेप में ही वी हैड प्रिपेयर एम एल थ्री सो दिस दिस गिव्स राइज टू एन अनदर कॉन्सटेंट दैट इज ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्सटेंट तो एक दूसरे तरीके का कॉन्सटेंट आपको मिलेगा जो कि ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा मतलब है कि हम किसी कॉम्प्लेक्स को स्टेप वाइज फॉर्म कर सकते हैं या फिर हम उसे एक साथ बना सकते हैं दोनों जो कांस्टेंट हैं वो अलग अलग होते हैं ओके okay? अब देखिए अगर हम पहले रिएक्शन का ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखें तो इसको हम बीटा वन कह रहे हैं अगर सेकेंड रिएक्शन का अगर हम ओवरऑल कांस्टेंट देखें तो पीटा टू कह रहे हैं और अगर थर्ड रिएक्शन का ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट देखें तो उसको हम पीटा थ्री कह रहे हैं तो ये हर एक रिएक्शन का एक ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा वी विल कंपेयर अगर हम इस रिएक्शन को ले लें पर्टिकुलर थर्ड रिएक्शन को लें जहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एम एल थ्री हो रहा है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एम एल थ्री का फॉर्मेशन हो रहा है ये एक स्टेप में हो रहा है ये क्या है ओवरऑल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ एम एल थ्री बीटा थ्री इज दी नाउ वी कैन सी द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट अब हम स्टेप वाइज और ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट में uh, एक रिलेशनशिप बना सकते हैं होती है उनके बीच में तो अगर मैं एक ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्सटेंटली हूँ जिसमें कि मैंने एक स्टेप में क्या बनाया एम एल थ्री बनाया तो बीटा थ्री अभी हमने कैलकुलेट किया था एक एम और तीन एल ने रिएक्ट करके एम एल थ्री बनाया तो इस इक्वेशन को इफ़ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एम एल टू एंड एम एल तो मुझे एक नई इक्वेशन मिलेगी ये देखिए अब यहाँ पर बीटा थ्री को यहाँ पर हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया एम एल टू से और डिवाइड भी एम एल टू से किया और एम एल से भी इसको मल्टीप्लाई किया एम एल से इसको हमने डिवाइड किया अब हमने इसको जो है वो अलग अलग तरीके से अरेंज किया देखिए एम एल थ्री ये रेड कलर से जो दिखाया है ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यूज़ हैं तो एम एल थ्री और एम एल थ्री को अगर हमने कैसे बनाया एम एल टू और एल से तो देखिए इस एम एल थ्री के नीचे अगर हम ये एम एल टू ले आए और यहाँ से एक एल ले लें तो ये एक हमने बना लिया फिर ये एम एल टू एम एल टू कैसे बनेगा एम एल प्लस एल से तो देखिए एम एल हमारे पास यहाँ पर है ये हमने एम एल ले लिया और एल यहाँ से हमने ले लिया तो ये एक इक्वेशन बन गई देन Ml एल एम एल ऊपर है और यहाँ से हमने एक एम लिया और एक एल लिया तो ये तीन तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं अब ये देखिए ये क्या है ये आपने इससे पहले देखा था ये स्टेप थ्री था स्टेप वाइज फॉर्मेशन का सो दिस इज़ के थ्री ये स्टेप टू था पहले एम एल टू बनाया फिर एम एल टू से एम एल थ्री बनाया और एम एल टू किससे बनाया था हमने एम और एम एल एम एल और एल से एम एल टू बनाया फिर हमने क्या बनाया पहले हमने एम एल बनाया था फिर हमने एम एल टू बनाया था फिर हमने एम एल थ्री बनाया था सो दिस इज़ इक्वल टू के थ्री दिस इज़ इक्वल टू के टू एंड दिस इज़ इक्वल टू के वन नाउ बीटा थ्री विल इक्वल्स टू के थ्री इंटू के टू इंटू के वन वेयर के वन के टू एंड के थ्री दे आर दी दी स्टेप वाइज ओवर स्टेबिलिटी कॉन्सटेंट एंड बीटा थ्री इज दी ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्सटेंट सो दिस रिलेशनशिप सजेस्ट दैट दी ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्सटेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टेबिलिटी दैप वाइज इस्टेबिलिटी कॉन्सटेंट्स तो ये क्या होता है जो 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 ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्सटेंट होता है वो जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनके प्रोडक्ट होता है ओके ना वी कैन टेक द लॉग ऑफ दीज हम इनका लॉग ले सकते हैं तो अगर हम देखेंगे तो uh, जो लॉग है जो लॉग के जो बीटा की वैल्यू होती है लॉग बीटा की वैल्यू ये जनरली जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इट इज़ एट एट्स से ऊपर ये वैल्यू अगर होगी या एट होगी तो ये क्या कहलाएगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा तो एक एक वैल्यू भी डिफाइंड है लॉग बीटा की कि लॉग बीटा एट और एट से अबब अब है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा है स्टेबल कॉम्प्लेक्स अब अगर हम ट्रेंड देखें देखिए हमने तीन स्टेप में कोई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया तो ये जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्सटेंट्स हैं इनको अगर हम देखेंगे तो इनकी वैल्यू घटती जाती है जैसे हम पहला स्टेप है के वन जहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट था देन के टू था देन के थ्री था तो यहाँ पर आप देखेंगे जो के थ्री है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है फिर के टू की होती है फिर के वन की होती है इट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है उसका ऑर्डर कहाँ है यानी यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना होगा जो पहले स्टेप में उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है फिर दूसरे स्टेप में जो कॉम्प्लेक्स बना उसकी स्टेबिलिटी कम है और जो तीसरे स्टेप में जो कॉम्प्लेक्स बना उसकी स्टेबिलिटी और कम होती है ऐसा मैक्सिमम uh, केसेस में होता है और क्यों होता है तो ऐसा क्यों होता है उसका कारण भी हमारे पास है एज दी नंबर ऑफ लिगेंड्स इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट आर गोइंग टू रिप्लेस इट डिक्रीजेज तो क्या होता है जैसे जैसे जो नंबर ऑफ लिकेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ऐड होने लगते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि जो रिप्लेसेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के वो कम हो जाते हैं और जैसे जैसे पानी के मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं वैसे वैसे द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिप्लेसमेंट विल डिक्रीज आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वेर यू विल फाइंड दैट क्यों जो कांस्टेंट है स्टेबिलिटी कांस्टेंट वो स्टेप बढ़ने के साथ कम होता जाता है उसका कारण है अभी आपको मैं बता रही हूँ तो यहाँ पर देखिए हमने चार रिएक्शंस लिखी हुई है इन रिएक्शंस को अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये पहला स्टेप है ओके एंड दिस इज़ द सेकेंड स्टेप दिस इज द थर्ड स्टेप एंड दिस इज़ द फोर्थ स्टेप तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप पहला स्टेप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर छ एच टू ओ मोलिक्यूल हैं और ये एच टू ओ मोलिक्यूल दे आर गोइंग टू रिप्लेस बाय दिस दिसगेंड विच इज एन एस थ्री तो यहाँ पर आप देखिए जो एच टू ओ मोलिक्यूल है उसको एन एस थ्री से रिप्लेस होना है तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा प्रोडक्ट बन गया जहाँ पर पाँच एच टू ओ मोलिक्यूल है तो आप देख सकते हैं जो रिप्लेबल वाटर मॉलिक्यूल हैं वो पहले छः थे दूसरे स्टेप में ये कितने हो गए पाँच तीसरे स्टेप में ये कितने हो गए चार और चौथे स्टेप में ये कितने रह गए तीन तो हम ये कह रहे थे कि जो रिप्लेबल वाटर मॉलिक्यूल हैं ये क्या हो रहे हैं कम होते जा रहे हैं तो ये कम होते जा रहे हैं इस वजह से इनका रिप्लेस हो पाना कठिन होता जा रहा है इसलिए जो जो कॉन्स्टेंट है स्टेप बाई स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप सो द हैज़ दी लोएस्ट वैल्यू एंड के वन विल हैव दी हाइस्ट वैल्यू सो दिस इज़ द जनरल केस जनरल ट्रेंड ऑफ ऑल कॉम मैक्मम नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बट समाइम्स इन सम केसेस यू विल फाइंड दैट के एन प्लस वन इज ग्रेटर दैन के एन तो जो जो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट होगा एक पर्टिकुलर इस्टेप का जो कि जिसका इस्टेप क्या होगा एक ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू अधिक होगी और जिसका एक कम यूनिट होगा उसकी कम होगी जैसे आपने यहाँ पर देखा कि के फोर की वैल्यू तो कम थी और के थ्री की अधिक थी जबकि यहाँ मतलब है हमारा कि के फोर अधिक हो सकता है और के थ्री कम हो सकता है या के थ्री अधिक होगा के टू कम होगा बिल्कुल अपोजिट स्टैंड का इसमें हमने देखा था कि यहाँ पर जो ट्रेंड था वो था कि जैसे जैसे हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो इसकी वैल्यू है वो कम होती जाएगी लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि ये ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा अपोजिट होता है दो स्टेप्स में हम इसको देख सकते हैं जो बाद वाला स्टेप है उसका स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू अधिक होती है पहले वाले से ओके okay? पहले हम यहाँ पर देखें एक कारण तो हमने देखा कि जो एच टू है उसके रिप्लेसमेंट हो गया दूसरा अगर हम देखें तो अगर ये जो 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 लिगेंड है अगर ये आयनिक स्पीसीज है तो फिर यानी चार्ज स्पीसीज है तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रो फैक्टर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं इस के की वैल्यू को और इसके अलावा इस्टेटिक हिंड्रेंस भी इंक्रीज होता है कई बार जैसे जैसे लिगेंड ऐड होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि ये कॉन्सटेंट की वैल्यू कम होती है अब हम देखें कि ये जो केस है वो कहाँ पर होता है और क्यों होता है ऐसा केस कहाँ पर होगा जहाँ पर जो जो लास्ट स्टेप है उसकी उसकी जस्ट पहले वाले स्टेप से क्या होगा जो के है उसकी वैल्यू क्या होगी अधिक होगी क्यों होता है ड्यू टू अनयूजुअल स्ट्रक्चरल चेंजेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल आयन होता क्या है कि Uh, जो स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं कभी कभी अनयूजल चेंजेस होते हैं और उस अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल आल्सो चेंज एंड एज वी नो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द कैलकुलेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज ऑफ क्टा कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेज टेटा हेडल कॉम्प्लेक्सेज एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस तो वहाँ पर हमने देखा कि जो सी एफ एस सी की वैल्यू है इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पर डिपेंड करती है कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करती है और कन्फिग्रेशन किस पर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर uh, पर जोमेट्री पर डिपेंड करता है तो हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि किस तरीके से ये इफ़ेक्ट uh, करता है के की वैल्यू को ये भी हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि सी एफ एस सी वैल्यू जहाँ पर हायर होती है वो कॉम्प्लेक्स हा stable होता है अधिक तो उसका जो स्टेबल होंगे उनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा हाई होता है हमेशा तो सी एफ एस सी वैल्यू जिसकी हाई होती है क्योंकि जो सी एफ एस सी वैल्यू होती है वो क्या करती है वो स्टेबलाइज करती है सिस्टम को जितनी अधिक सी एफ एस सी होगी उतना अधिक क्या होगा Uh, उतना अधिक स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की तो सी एफ एस सी जनरली माइनस में अधिक होती है माइनस का मतलब है कि uh, उसको स्टेबलाइज करना माइनस कब आता है जब जो नीचे जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नीचे इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब लोअर एनर्जी में होने का मतलब मोर स्टेबिलिटी तो हायर सी का मतलब मोर स्टेबिलिटी इफ़ यू सी दिस एग्जाम्पल हम अगर आयरन का कॉम्प्लेक्स देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयरन के कॉम्प्लेक्स में छः एच टू मॉलिक्यूल हैं जब बाई रिएक्ट करता है तो ये दो एच को रिप्लेस करके यहाँ पर फोर एच कर देता है फिर आप देखेंगे जो फोर एच टू है इनमें से दो एच टू फिर रिप्लेस होंगे और फिर यहाँ पर दो एच टू ओ रह जाएंगे बाई पायरेडाइल रिप्लेस कर देगा लिगेंड है फिर ये रिएक्ट करेगा तीसरे स्टेप में देन इट विल फॉर्म दी ओनली दाई पायरेडाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन अब अगर हम स्टेप टू को देखें और स्टेप थ्री को देखें तो स्टेप टू में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसमें एच टू भी है और बाई पैरेडाइल भी सो ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ दिस एच टू ओ इस एच टू ओ की वजह से ये जो क्योंकि एच टू ओ इज़ अ वीक लिग एंड उसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा एंड इफ दिस इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स दैन इट्स कन्फिग्रेशन विल बिकम टी टू जी फोर ई जी टू एंड एज पर देट कन्फिग्रेशन इट्स सी एफ एस सी विल्वल्स टू माइनस पॉइंट फोर डेल्टा ओ अगर हम इस स्टेप के इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो ये ड्यू टू प्रजेंस ऑफ दिस एच टू की वजह से ये कैसा होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा इसलिए इसका कॉम क्या हो जाएगा टी टू जी फोर ई जी टू और उसके अकॉर्डिंग जो इसकी सी एफ एस सी होगी वो कितनी होगी माइनस पॉइंट फोर डेल्टा ओ अब अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें आयरन के बायपायरीडल कॉम्प्लेक्स को तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है जो कॉम्प्लेक्स है ये यह यहाँ पर लिगेंड क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से दिस फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा टी टू जी सिक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कन्फिग्रेशन इट्स सी एफ एस सी विल इक्वल्स टू माइनस टू पॉइंट फोर डेल्टा ओ उसके बेसिस पर इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी माइनस टू पॉइंट फोर डेल्टा ओ तो अगर हम कंपेयर करें तो किस कंपाउंड की अधिक है इस कॉम्प्लेक्स की सी एफ एस सी अधिक है इस कॉम्प्लेक्स की सी एफ एस सी कम है तो जिसकी सी एफ एस सी अधिक है ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसका स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट मतलब थ्री क्योंकि ये अधिक स्टेबल है जो स्टेबल होते हैं उनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी हायर होता है इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा वो लोअर होगा सो के थ्री विल बी ग्रेटर देन के टू सो दिस इज के एन माइनस एन प्लस वन एंड दिस इज के एन सो इन सम केसेस ये क्या होगा बिल्कुल अपोजिट होगा और जो 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 बाद का स्टेप है उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट अधिक होगा और जो पहले का स्टेप है उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट कम होगा और ये किस पर डिपेंड करता है कई बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड जोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ओके

जो है वो कितने तरीके की उसके बेसिस पर कॉम्प्लेक्स होते हैं टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी हमने पढ़ी फिर हमने पढ़ा कि थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में स्पेशली हमने पढ़ा कि थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी के बेसिस पर दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एक होता है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स एक होता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स और इनको मेजर करने वाले जो कॉन्सटेंट हैं फॉर्मेशन कॉन्सटेंट फॉर थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी एंड

डिसोसिएशन कांस्टेंट अधिक है तो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है इसलिए फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स दे आर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर फिर आपने देखा कि जो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो इस्टेबिली आपने स्टेप वाइज देखा कि अगर एक कॉम्प्लेक्स स्टेप वाइज बन रहा है और वही कॉम्प्लेक्स एक स्टेप में बन रहा है तो वहाँ पर जो इक्विली कॉन्स्टेंट होंगे उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगी तो उसके बाद आपने देखा कि कैसे जो कांस्टेंट हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे ये डिक्रीज होते हैं और इंक्रीज होते हैं विद द स्टेप्स विद ग्रोइंग तो हमने ये सब इस लेक्चर में डिस्कस किया सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट काइनेटिक स्टेबिलिटी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे सो थैंक यू वेरी मच